बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमने 20 एमसीक्यूज़ जो है वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे, तो फर्दर आज हम इंशाल्लाह अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं उनमें सबसे पहला है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द ग्रुप्स 3 to 12 आर कॉल्ड, यानी कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल मौजूद है जिसकी पेज नंबर 48 पे आप डायग्राम बनी हुई या पिक्चर बनी हुई देख सकते हैं, वो पूछा गया है कि उसमें ग्रुप नंबर 13 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो वो हम उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ट्रांजिशन, क्योंकि वो उनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती, बदलती रहती है, और इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड है, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स का लेंथिनाइड्स स्टार्ट फ्रॉम विच नंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ हमारे पास 6 पीरियड और 7 पीरियड में दो सीरीज हैं जो 14-14 एलिमेंट्स की अलग नीचे पीरियोडिक टेबल के रखी गई हैं। तो बताया गया है कि जो लेंथिनाइड सीरीज है पहली, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, किस एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है, वो 57 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होती है। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है हमारा कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा पीरियड है जो अभी भी इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है, तो वो 7th पीरियड होता है। डी ऑप्शन सही है हमारा। उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर पूछा जा रहा है कि हैलोजिन्स हैं वो कौन से ग्रुप के अंदर होते हैं, तो उसका सही ऑप्शन 17 होता है। फिर क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, और एक्सेप्ट करने के बाद किस नोबल गैस जैसा बन जाती है, आर्गन जैसा बन जाती है। उसके बाद 6th एमसीक्यू है कि जो गोल्ड फॉइल की थिकनेस है, जो रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया था, उसकी थिकनेस कितनी होती है, 0.0004 सेंटीमीटर होती है। 7th एमसीक्यू में हमारे पास है कि हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस, तो इस हवाले से जो आंसर है इसका वो बी ऑप्शन है, रदरफोर्ड। 8th एमसीक्यू है हमारे पास कि इसी बोहर के थ्योरी में प्लैंक्स कांस्टेंट दिया गया था जिसकी वैल्यू, जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 6.63 × 10⁻³⁴ जाउल सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू होती है इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की। उसके बाद हमारे पास फर्दर एमसीक्यूज है, क्वांटम थ्योरी है वो किस बेस पर दी गई थी, या किसने दी थी, ये मैक्स प्लैंक्स ने दी थी, ठीक है। उसके बाद 10 वाला एमसीक्यूज है कि कौन सा शेल इनमें से सबसे लो एनर्जी वाला होता है, तो के शेल इज द राइट आंसर। 11 एमसीक्यूज में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन फैमिली की, ये हमारे 3rd चैप्टर से है, तो इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS2NP4 होती है। 12 वाला एमसीक्यूज है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की क्या होती है, NS2NP6 होती है, क्योंकि ये स्टेबल होती है, इसलिए पी में 6 इलेक्ट्रॉन, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वो चीज़ स्टेबल कंसीडर होती है। उसके बाद 13 एमसीक्यूज है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, तो हाइड्रोजन भी करता है और हीलियम भी करता है, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये दो एलिमेंट्स हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं, तो बोथ ए एंड बी, यानी कि डी ऑप्शन सही है हमारा। 14 वाले एमसीक्यूज में पूछा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। उसके बाद इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन से 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास अपना अपना लोन पेयर होता है, तो डी ऑप्शन जो है उसमें ये 3 दिए गए हैं, तो यही हमारा सही आंसर है। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है हमारा जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जो चार्ज है, ये पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड वाले टॉपिक में से है, तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव को शो करने के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, वो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, इसे डेल्टा साइन कहते हैं, तो डेल्टा साइन यूज़ होता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह जो फर्दर एमसीक्यूज़ है आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।